103 गाथा है, समय सार कथा करना भी चाह रहे चर्चा ऐसी है कि आत्मा किसी भी रूप में किसी भी अन्य द्रव्य का कर्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे ही पदार्थों की सीमाएं न्यारी न्यारी। उसके साथ एक प्रश्न का उत्तर भी आचार्य ने दिया कि ऐसे भिन्न जो पदार्थ हैं उनका कर्ता तो आत्मा नहीं है, तो भी आत्मा अपने को उनका कर्ता तो मानता है। एक बात तो यह है, उनका कर्ता बिल्कुल नहीं है, उनकी क्रिया आत्मा से कभी भी संभव नहीं होती, तो भी आत्मा अपने आप को उनका कर्ता मानता है। तो फिर क्या होता है कि मानने से उनकी क्रिया तो नहीं होती, लेकिन ऐसा मानने से उसको शुभ अशुभ भाव का जन्म होता है और वह उन्हीं के साथ तन्मय होता हुआ एकत्व करता हुआ प्रवर्तित होता है। शुभ और अशुभ भाव वो आत्मा के भीतर पैदा होते हैं, इसलिए आत्मा उनके साथ एकत्व न होने पर भी परद्रव्य की तरह शुभाशुभ भाव के साथ भी आत्मा का एकत्व संभव नहीं है, क्योंकि वे आत्मा से न्यारे के न्यारे रहते हैं। तो भी आत्मा वे भीतर पैदा होते हैं, परद्रव्य बाहर रहते हैं, जिनकी सीमा में ये जा ही नहीं सकता। इसलिए जब यह अपने आप को परद्रव्य का कर्ता मानता है तो नियम से उसके फल में उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ भाव का भी कर्ता अपने आप को मानता है और उनके साथ तन्मय भाव से वर्तता है। इस तन्मयता ही प्राण है इसका, कर्ता कर्म अधिकार है, तन्मयता एकत्व और उसी का दूसरा नाम अज्ञान। तो जो शुभ और शुभ भाव इसकी तन्मयता से उनके साथ अपने आप को तन्मय मानने से जो भाव पैदा हुए आत्मा के भीतर, उन भावों का तो आत्मा कर्ता कहलाता है। आत्मा कर्ता है ऐसा भी आचार्य कहते हैं, लेकिन परद्रव्य का कर्ता तो आत्मा कभी भी नहीं, ये बताया पहले। इसकी विस्तार से हुई चर्चा, अब 103 गाथा है जिसमें आगे और यही चर्चा आचार्य करते हैं कि पर भाव को कोई द्रव्य नहीं कर सकता। जितने भी अपने से भिन्न पदार्थ हैं उनके संबंध में आत्मा का सदा से कर्तृत्व का आग्रह चला आया, लेकिन आज तक किसी भी वस्तु की एक भी पर्याय में आत्मा का कर्तृत्व सार्थक नहीं हुआ, साकार नहीं हुआ, तो ये पुरुषार्थ की निरर्थकता रही। यदि इसे जान लिया जाए तो आत्मा तुरंत अपनी सत्ता की ओर मुड़ जाता है, और जब तक नहीं जानता तब तक ये व्यर्थ का परिश्रम करता हुआ अत्यंत क्लेशित होता रहता है। क्योंकि माना कि मैं कर सकता हूं होता नहीं है, और ये और आग्रह है और दुराग्रह करता है कि मैं तो करके ही रहूंगा, तो इस दुराग्रह में केवल उसको क्लेश हाथ में आता है। अब इसके संबंध में आचार्य एक नियम घोषित करते, कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य की क्रिया, उसका काम, उसकी अवस्था, उसकी सहायता, उसकी मदद अथवा उस पर कोई प्रभाव नहीं कर सकता, इसका कारण क्या है, क्यों है ये बात? तब ये आचार्य कुदरत की व्यवस्था, इस विश्व की व्यवस्था के आधार पर इस बात को सिद्ध करते, ये बात, ये कानून
कोई हमने नहीं बनाया है, लेकिन ये विश्व का और कुदरत का बना बनाया कानून है कि जिसका पालन जीव को करना चाहिए, क्योंकि अचेतन पदार्थ इसका पालन करते रहे। जो पालन नहीं करता है वही कानून का उल्लंघन करने की नियत वाला होने से अपराधी घोषित है। जो वस्तु जिस द्रव्य में और जिस गुण में वर्तती है वह अन्य द्रव्य में तथा गुण में संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। कानून है नहीं, फॉर्मूला हुआ नहीं, त्रैकालिक नियम इस विश्व का, इस कुदरत का, कि जो वह अपने भी याद रखने लायक, इससे सारा समाधान होगा। कानून और फॉर्मूले होते हैं, सब जगह लागू होते हैं, ये सारे विश्व में लागू होने वाला कानून है कि जो वस्तु जिस द्रव्य में और जिस गुण में वर्तती है वह अन्य द्रव्य में तथा गुण में संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। जो वस्तु, वस्तु है ना पूरा पदार्थ, वह जिस द्रव्य में, मैंने अपनी द्रव्य सत्ता में, जिस त्रैकालिक द्रव्य मैंने त्रैकालिक सत्ता उसमें वो रहती है, उसमें पाए जाने वाले गुण में, गुण गुण मैंने गुण और पर्याय वो अंश है ना, इसलिए जो वस्तु अपने जिस द्रव्य में, जिस सत्ता में, जिन गुणों में और जिन पर्यायों में रहती है, तो वहां से फिसल कर, वहां से संक्रमित होकर वह अन्य द्रव्य में निकले। कितना अच्छा कानून हुआ। अगर यही कानून जैसे इस लोक में हम सुन लें कि आज से ये कानून बन, तुम्हारे घर के भीतर नहीं आए, तुम निश्चिंत रहना, तो कितना आराम हो जाएगा। और जीव जब इस बात को स्वीकार नहीं करता अज्ञान के, अपराध के कारण, तो निरंतर वो स्वयं अन्य से भयभीत रहता है, और अन्य जीव जो अज्ञानी है वे उससे भयभीत रहा करते हैं। अचेतन पदार्थ भयभीत होते नहीं, क्योंकि उनमें तो कोई चिंता का विषय नहीं है। तो कितना अच्छा कहा, जैसे एक डब्बा है ना अपना मसाले का, तो उसमें 5-6 विभाग होते हैं, उनमें एक एक वस्तु रखी रहती है, क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु में मिल जाती है, अथवा वो डिब्बा ओंधा हो जाए तो सब मिल गई सारी की सारी, सब ज्यों की त्यों है। मैंने किसी का भी प्रभाव अथवा किसी का भी द्रव्य गुण पर्याय वो किसी अन्य में नहीं जाता, भले ओंधा होकर एक में रह तो रही है, एक में जैसी, एक में जैसी रहने पर भी इनका जो भाव, इनका जो स्वभाव, इनका जो द्रव्य गुण पर्याय है वो अन्य में खिसक कर नहीं जाता, फिसल कर नहीं जाता। कितनी बढ़िया शोध अनुसंधान है ये, अनुसंधान के बिना हो सकता है? अनुसंधान ना हो तो जगत में तो पदार्थ एक दूसरे के काम करते हुए इन आंखों से तो नजर आते, यही देखा जाता है कि ये सब मैं ही कर रहा हूं सारा का सारा, और दूसरे पदार्थ मेरा काम कर रहे हैं। ऐसा देखा जाने पर भी आचार्य कहते हैं कि और गहरे उतरो, गहरे जाकर देखो तो वहां तुम्हें पता लगेगा कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को छूता ही नहीं है, तो फिर उसके भीतर जाकर उसका काम करना ये तो कतई असंभव है। तो फिर आत्मा को क्या कहना चाहिए कि भगवान इस नियम को जानकर आज से मैं निश्चिंत होता हूं, तो मैं तो इसी चिंता से घिरा हुआ था रातों में, मेरे पास ज्ञान है, तो मेरा ज्ञान ही चिंता और निश्चिंतता दो रूप पढ़ने में होता है, या तो हमेशा चिंता में रहे, भय में रहे, क्लेश में रहे, अथवा वो इस नियम को जानकर सदा के लिए निश्चिंत हो जाए।
वह अन्य द्रव्य में तथा गुण में संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। वस्तु कहा है ना, वस्तु तो वस्तु कौन होती है, कितने अवयव वस्तु के, द्रव्य गुण और हरी है, तीन हुए ना, तो फिर इन तीनों में कौन रहेगी, ये जो अंश है इनमें रहता कौन है, अंशों में कौन रहता, अंशी रहता और कौन रहता, अंशी मैंने वस्तु द्रव्य, वह द्रव्य एक तो द्रव्य पूरा द्रव्य गुण पर्याय वाला, और एक द्रव्य उस द्रव्य का जो ध्रुव हिस्सा है अनादि अंत नष्ट नहीं होने वाला, वो भी द्रव्य कहलाता है। यहां तो इसीलिए वस्तु का है, वस्तु जो द्रव्य गुण पर्याय वाली है तो वही वस्तु अपने द्रव्य में अपने गुण में और अपनी पर्याय में सदा प्रवर्तित होती है, रहती है, उसी में पसरती है, लेकिन अन्य में उसका संक्रमण नहीं, अन्य में संक्रमण नहीं होता ना, अन्य में जाकर वह कभी अन्य रूप नहीं, ऐसा संक्रमण बदलकर अन्य में नहीं मिल जाती। लोक में ये जो मिलन सा देखा जाता है उसमें जीव भ्रम में पड़ जाता है कि ये तो मिल गए हैं, एक में हो गए हैं, ऐसा उसको भ्रम होता है। यहाँ आचार्य भीतर अनुसंधान टेस्टिंग होता है, मिली हुई चीजें, तो मिली हुई चीजों में पता लग जाता है इसमें मिलावट किसकी है, जैसे घी में तेल मिला दिया जाए पता लगेगा नहीं, क्यों लगेगा, इसका कारण है कि प्रत्येक वस्तु का अपना स्वरूप है, उसकी सीमाएं हैं, इसलिए उस स्वरूप से और उस लक्षण से जानकर ये पता लगा लिया जाता है कि उसके भीतर उस वस्तु की मिलावट कर दी गई है, लेकिन मिलावट नहीं हुई है, वो दोनों वहां भी न्यारे के न्यारे हैं। तो इसी तरह इस वस्तु यहाँ जगत में मिला हुआ सा दिखाई देने पर भी मैं सारे जगत से अत्यंत न्यारा हूं, कि जिसने ये जाना उसको अब आत्मा कैसा लग रहा है, वो शुभाशुभ हो तो आत्मा नहीं माना, वो तो प्रकरण हुआ। यहाँ तो कहते हैं कि जिसने आत्मा को ऐसा जाना उसको अब आत्मा कैसा लगा, निश्चिंत नहीं शुद्ध लगा, शुद्ध लगे तो निश्चिंत हुई, क्योंकि अन्य का किसी का संक्रमण इसमें होता ही नहीं। पहले क्या था कि पहले भी ये किसी दूसरे में संक्रमित नहीं होता था, जाकर एक में नहीं होता था, और कोई दूसरा पदार्थ इसके भीतर आकर एक में नहीं होता था। अब इस उसे अज्ञान ने ही बदल कर इस बात को जाना कि सचमुच मैं तो अन्य किसी रूप कभी हुआ नहीं, होने वाला भी नहीं, और अन्य भी मेरे रूप कभी नहीं होंगे, ऐसा इस ज्ञान ने जाना, ये ज्ञान शुद्ध हुआ और शुद्ध हुआ। ये ज्ञान अब अपने भीतर शुभाशुभ भाव को तलाश करे तो मिलेंगे ही नहीं, नहीं मिलेंगे, कहां गई उनकी दुनिया, उनकी बस्ती कहां गई। अरे ये ऐसा मानता था, ऐसा मानने पर तो उनका जन्म होता था, और उनका जन्म होता था तो फिर उनके साथ भी ये एकत्व भाव से प्रवर्तित होता था, लेकिन अब तो जब इसने आत्मा को सर्व द्रव्यों से बिल्कुल भिन्न जान लिया तो फिर इसमें अशुद्धता कौन सी रही, ये तो आत्मा से भिन्न भावों की इसमें मिलावट जानता था, ये अशुद्धता थी, और मिलावट तो थी नहीं, होती नहीं थी। वहां तो 102 गाथा में तो क्या बताया कि अन्य द्रव्य का कर्ता तो नहीं है, लेकिन अपने आप को अन्य द्रव्य का कर्ता मानने पर अज्ञान से उत्पन्न होने वाले जो शुभ और अशुभ भाव हैं, यह अज्ञानी आत्मा उनका कर्ता होता। मैंने और आगे कि जैसे इसने अपने आप को अन्य द्रव्य का कर्ता माना तो अन्य द्रव्य तक तो ये नहीं गया, वहां तक तो ये नहीं फैला, तो किसमें फैला कि उनको अपना मानने पर इसके भीतर उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ भावों में ये फैला।
जैसे एक व्यक्ति को उसका मन बिगड़ा और वो बाजार से निकल रहा है, तो किसी दुकान पर जब उसने मिठाई देखी तो उसका मन चल गया, तो उसका मन उस मिठाई की थाली तक तो नहीं गया और उसके मुंह भी नहीं लगाया उसने, लेकिन उसके मन में ये आया कि मैं ये मिठाई खाऊं। तो अब ये किसमें फंस रहा है, मिठाई की थाली में या ये जो भाव पैदा हुआ? मिठाई की थाली में तो हो नहीं सकता, वहां तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो भाव पैदा हुआ इसमें ये पसरा हुआ है। और ये सारा का सारा ये बदनीयत भाव, क्योंकि मिठाई जिसको प्रिय है तो उसको मिठाई खाने का अपने भीतर उत्पन्न हुआ भाव भी प्रिय है, और उसके साथ भी वो एकत्व भाव से वर्तता है, तो वो उसका कर्म और ये उसका कर्ता, ऐसा अज्ञान में बदनीयत में ऐसा कहा जाए। अच्छी नियत वालों का ये भाव पैदा हो तो अच्छी नियत वाले को कहा जाएगा कि ये, क्योंकि उसको भाव ही पैदा नहीं होंगे तो वो कर्ता भी नहीं होगा। पर अज्ञान में उसके साथ एक में एक भाव से वर्तता है तो ये कर्ता कहा जाता है, कर्ता होता है। यहाँ से लिखा है कर्ता होता है ना, वो इसलिए लिखा कि अन्य द्रव्य का तो किसी भी दशा में ये कर्ता होता ही नहीं, भले ये मानता रहे, लेकिन अन्य द्रव्य का कर्तृत्व मानने के कारण उत्पन्न हुए अपने भीतर जो अज्ञान में भाव है शुभ और अशुभ, ये उनमें फैलता हुआ वो कर्म होते हैं और ये उनका कर्ता होता है। सचमुच तो कर्ता नहीं होता, सचमुच पूछा जाए तो वास्तव में कर्ता मानता है अपने आप को कर्ता, इसलिए आचार्य इसको कर्ता कहते। इसने अपना नाम कर्ता रख लिया तो कौन से नाम से पुकारो, कर्ता नाम से पुकारे ना, उसी नाम से कहेंगे। फिर भले ये कहेंगे कि ए कर्ता तू कर्ता नहीं है, तू अकर्ता है, तो पहले नाम से तो पुकारेंगे, पहले उसको अकर्ता कह दिया जाए तो वो कहे कि मेरा तो नाम है ही नहीं अकर्ता, तो पहले उसके नाम को से पुकार कर फिर उसका नाम बदलो कि अब तुम अपना नाम बदल लो, तुम्हारा ये नाम सही नहीं है। अन्य रूप से संक्रमण को प्राप्त न होती हुई वह वस्तु अन्य वस्तु को कैसे परिणमन करा सकती है? कि पहले इस कुदरत में ये गुंजाइश स्थापित करो कि एक पदार्थ वो दूसरे पदार्थ की सीमा में जा सके, इतनी गुंजाइश दो, थोड़ा उसको आने तो दो जरा। मैंने जैसे कोई ये कहे कि मैं तो अपने घर पर बैठा हुआ ही आपके घर का सारा काम करता हूँ, अभी ये कैसे होता है? हमारे घर का काम तो हम ही करते हैं प्रातः काल से, कि नहीं नहीं मैं मेरे घर पर बैठा हुआ तुम्हारे घर का सारा काम करता हूँ, ये संभव नहीं है। दरवाजा बंद रहता है, तुम कभी आते नहीं, तुम भीतर आ सको तो भी ये बात प्रारंभ हो सकती है, लेकिन जब तुम आते ही नहीं, तुम्हें आना नहीं और आने भी नहीं देंगे, तो फिर हमारे घर का काम तुमसे होगा नहीं। उसी तरह वस्तु को ये छूट दो कि तुम्हें दूसरे में जाने का, दूसरे की सीमा में जाने का अधिकार है, तो फिर कर्ता कर्म भाव संभव हो सकता है, और इसके बिना उसकी असंभावना है। इसलिए जीव को कहते हैं कि ऐ जीव सदा से तुम केवल एक भाव से अनंत चिंता तो रहे, कष्ट में रहे, भय आए, विषाद आए, संकट आए, इस एक भाव को समाप्त कर दो तो संकटों का पर्वत ढह जाता है एक क्षण। संकटों का पर्वत जो सदा से खड़ा किया गया है, केवल एक भाव ऐसा परमाणु बम है कि जो उस पर टूट कर गिरता है और उसका खंड खंड कर देता है। प्रसन्न होने के हैं सब, प्रसन्नता की प्रकृति। अब टीका मिले को क्या कमाल करते हैं, जगत में जो कोई जितनी वस्तु जिस किसी जितने चैतन्य स्वरूप या अचैतन्य स्वरूप द्रव्य में और गुण में
निजर से ही अनादि से ही वर्तती है, वह वास्तव में अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ना अशक्य होने से उसी में वर्तती है। सोने मोती रतन इसको लिखने के लिए नहीं मिलेंगे, कौन से रत्नों से ये अक्षर लिखे जाए। एक एक शब्द देखो, कि एक गुंजाइश जरा सी आचार्य ने नहीं रखी, थोड़ी सी भी कि कोई लीकेज हो और किसी वस्तु का कोई भाव वो उसके दूसरे भाव में पर्याय में प्रवेश हो सके, इतनी गुंजाइश भी इस पंक्ति में नहीं है। क्योंकि गाथा में तो जगह छोटी थी, तो छोटे में लिखी लेकिन गहरी लिखी, यहाँ उसी को पूरे विस्तार से लिखा। जगत में, इस विश्व में, सारे विश्व में जो कोई मन और जितनी वस्तु, जो कोई भी वस्तु हो, चाहे वो चेतन हो अथवा अचेतन, और जितनी वस्तु, मैंने जैसे धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश एक है, काल असंख्यात है, उद्गल अनंत अनंत है, जीव अनंत है, ये जितनी, अब कोई बाकी रहा? कोई वस्तु एका छूट गई? नहीं छूटी। इसलिए कहा जितनी वस्तु जिस किसी मैंने अपने लायक जो भी द्रव्य गुण पर्याय हैं, उनमें वह वस्तु अपने स्वभाव से निज रस से मैंने अपने स्वभाव से अपनी शक्ति से एक जो बड़का वृक्ष है ना, वो किसके बल पर खड़ा है? आंधी चलती है, तूफान आते हैं, बारिश होती है, सब कुछ होता है, गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, लेकिन वो किसके बल पर खड़ा है? निज रस माने उसके भीतर, उसकी जड़ों में जो ठोस रस भरा है उसके बल पर वो। इसी तरह पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय वो निजी रस से रचित है, इसलिए जगत में अन्य किसी का उसमें अधिकार, जगत में किसी की शक्ति नहीं कि एक भी पदार्थ, एक परमाणु मात्र को भी जो विचलित कर सके अपने स्वरूप से, क्योंकि उसका रस इतना प्रगाढ़, इतना शक्तिमान है कि वह कभी भी हिल नहीं सकता है, उसमें से उसका कभी भी शोषण नहीं हो सकता, अभाव नहीं किया जा सकता, निकाला नहीं जा सकता। इसलिए निज रस से मैंने निजी शक्ति से, निजी स्वभाव से अपने द्रव्य गुण पर्याय में जो वर्तती है। तो जगत में जो कोई, जितनी वस्तु, जिस किसी, जितने चैतन्य स्वरूप या अचैतन्य स्वरूप द्रव्य और गुण में निज रस से अनादि से ही वर्तती है। लिखा ना जिस किसी को लगाना है आगे, जिस किसी द्रव्य में और गुण में, जिस किसी अलग रह गया ना, तो लगता है कि जिस किसी क्या है, कि कहाँ, किसके साथ संबंध है इसका, कि जिस किसी द्रव्य में और गुण में जितने चैतन्य स्वरूप या अचैतन्य स्वरूप द्रव्य जगत में है, उनमें अनादि से ही वर्तती है। जो अनादि से वर्तती है तो अनंत काल तक क्या होगा? अनादि अनंत काल तक भी अनादि से ही वर्तती रही। अगर वर्तना न होता तो बीच में खंड हो जाता, भंग हो जाता, ब्रेक हो जाता। अनादि से वर्तन है तो ये कैसी है? कोई अगर इसको चैलेंज करे कि मेरा तो सदा ही कब्जा है, यहाँ तो 12 वर्ष में हो जाता है, कि मेरा तो 12 वर्ष से कब्जा है, कब्जा है, यहाँ कहते अनादि से कब्जा है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय पर मेरा अनादि से कब्जा है। तो कोई कहेगा अब तुम कब्जा छोड़ दोगी, संभव है बात? ये कुदरत के कानून में नहीं है, जिसका अनादि से है उसका अनंत काल तक रहेगा। तो जगत में जो कोई, जितनी वस्तु, जो कोई भी वस्तु है और जितनी उनकी संख्या है, तो जितनी है मैंने अनंत अनंत है, तो जिस किसी द्रव्य में और गुण में जितने चैतन्य स्वरूप
यानी कैसी हैं वस्तुएं, या तो चैतन्य स्वरूप है या फिर जड़ स्वरूप है, दो रूप है, जैसे कुछ है उनमें निज द्रव्य में और गुण में निज रस से ही, मैंने अपनी शक्ति से ही अनादि से वर्तती, क्या रहा बस अनादि से ही ऐसी वस्तु व्यवस्था है, वह वास्तव में अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ना अशक्य होने से, वह वास्तव में अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ना अशक्य होने से, जो वस्तु स्थिति है, क्या है वस्तु स्थिति, कि प्रत्येक वस्तु अपनी शक्ति से अपने द्रव्यगुण पर्याय में अनादि से ही वर्तती है, वह चाहे चेतन हो अथवा वह जड़ हो, ये वस्तु स्थिति की मर्यादा है, इसको तोड़ना अशक्य होना, इतनी बढ़िया बात है। इस मर्यादा को, इस कानून को, इस विधान को, इस धारा को तोड़ना सर्वथा अशक्य है, तोड़ना अशक्य होने से, ये किसको कह रहे हैं आचार्य, किसको कह रहे हैं, अज्ञानी को, कि तूने इस मर्यादा को तोड़ने का प्रयत्न किया है, लेकिन ये मर्यादा इतनी जटिल है क्योंकि हर वस्तु की शक्ति इतनी है, इसको अपने संविधान पर्याय से कभी भी हिलाया नहीं जा सकता, इसलिए इसी मर्यादा को, इसकी सीमा को, इसकी परिधि को तोड़ना अशक्य होने से तो उसमें पहुंच ही नहीं सकता है, ये करने का विमान सबसे सीखा क्यों नहीं करता, इसी में वर्ष की है, इसी में वर्ष की है, बद्रपुरुष से देखें जरूर, बद्रपुरुष में बलाजीवन होता है, दूसरों के घरों में बलात् नहीं घुसता और अपने घर में अपने ही जो द्रव्य है उससे संतुष्ट रहता है, इसे तो बद्रपुरुष कहते हैं, और जो उच्चता हो इधर आता जाता परंतु द्रव्यांतर या गुणांतर रूप संक्रमण को प्राप्त नहीं होती, कभी भी जो एक द्रव्य है चेतन है वो कभी भी अचेतन नहीं होता, चेतन के जो गुण हैं वे कभी भी अचेतन नहीं होते और अचेतन में नहीं जाते, चेतन की जो पर्याय है वो कभी भी अचेतन में संक्रमित नहीं होती, इस तरह द्रव्यगुण पर्याय का संक्रमण न होने से एक वस्तु का दूसरी वस्तु में बिल्कुल भी संक्रमण नहीं होता, ये तो हुआ कानून, जैनियों के कानून जैनियों के यहाँ लिखे हुए होने चाहिए, अगर इसे लिख लिया जाए तो लोक जीवन तो सदाचारी बनी जाए, उसमें तो कोई माने उसमें तो ज्यादा मेहनत की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन लोकोत्तर जीवन भी मंगलमय हो जाए, कल्याणमय हो जाए। तो आज कार्यक्रम है अपने बच परिवार में माँ साहब के स्वर्गवास का, आज है 12 दिन का कार्यक्रम, सबको वहाँ पहुँचना 10 बजे, 10:15